दुर्लभ कश्यप। दोस्तों, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके ही जैसे बने, उनके जैसे काम करे, लेकिन हर बच्चा अपने माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं करता, बल्कि उनके सपनों को चकनाचूर कर अपराध की दुनिया में भी दाखिल हो जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की, जिसके पिता एक शिक्षक थे जो कितने ही बच्चों को एक सही रास्ता दिखाते थे, लेकिन उनके बेटे को यही सही रास्ता मंजूर नहीं था। वो शिक्षक नहीं बल्कि गैंगस्टर बनना चाहता था। इस सपने को पूरा करने के लिए उसने बहुत ही कम उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया। दुर्लभ कश्यप ने अपने गैंग फेसबुक पर ही शुरू किया था, जिससे बहुत से नौजवान लड़के जुड़ते गए। उसने अपने दोस्तों से मिलकर कई वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन एक बार वह पुलिस के हाथों लग गया और उसे जेल हो गई। लेकिन वह जेल से ही अपने गैंग को चलाया करता था। जेल से छूटने के बाद वह अपने घर आया और घर जाने के कुछ ही दिन बाद दुर्लभ अपने दोस्त के साथ 11 बजे चाय की दुकान पर गया। जैसे ही वह दुकान पर गया, वैसे ही दूसरे गैंग के लोगों ने उस पर चाकू से वार कर दिया। बता दें कि दुर्लभ पर 36 बार चाकू से वार किया गया था, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। 7 मई 2020 को उसने दुनिया को छोड़ दिया।